एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन एक फीचर है उप्स का, ठीक है। एनकैप्सुलेशन इज द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ उप। इट इज द कंबाइनिंग ऑफ डेटा एंड द फंक्शन एसोसिएटेड विद द डेटा इन अ सिंगल यूनिट। इसमें क्या होता है कि कंबाइन करता है डेटा और फंक्शंस को, ठीक है, इन अ सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट के अंदर क्लासेस, वी सी दैट द नेम ऑफ द क्लास, इट्स प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर आर ऑल एनक्लोज्ड अंडर वन इंडिपेंडेंट यूनिट। दिस एनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंटेड थ्रू द यूनिट नेम्ड क्लास। इन सिंपल टर्म्स वी कैन सी दैट अनकैप्सुलेशन इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू क्लास। ये इम्प्लीमेंट होता है क्लास के थ्रू। इन फैक्ट द डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस थ्रू इट्स मेंबर फंक्शंस ओनली। इट कीप्स द डेटा सेफ फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड मिसयूज। द ओनली वे टू एक्सेस द डेटा इज थ्रू द फंक्शंस ऑफ द क्लास। इन द एग्जाम्पल ऑफ क्लास मोबाइल फोन, डेटा एनकैप्सुलेशंस द डेटा मॉडल कलर प्राइस एसोसिएटेड फंक्शन इन टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट यूनिट। देखो इसका ना सबसे अच्छा और इजी एग्जांपल है कैप्सूल, जो दवाई वाला कैप्सूल हम खाते हैं ना, वो जैसे उसके अंदर ना बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, ठीक है। अब वो बहुत सारे सॉल्ट तो हमें नहीं दिखते, हमें एक सिंगल सिंगल कैप्सूल दिखता है, ठीक है, पर उसके अंदर होते तो बहुत सारे हैं सॉल्ट्स। हमें बस पर हमें तो एक सिंगल कैप्सूल का यूज पता होता है और हम उसे खाना होता है। ऐसे ही ना क्या होता है, उप्स कॉन्सेप्ट, उप्स के फीचर में एनकैप्सुलेशन ऐसे फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एट्रीब्यूट्स हो गए उसके अपने, ठीक है, या फिर डेटा मेंबर्स, फंक्शंस, ये सब होते हैं तो वो इंक्लूड करता है सिंगली। और जैसे इसमें एग्जांपल है मोबाइल फोन का, उसमें क्लास एनकैप्सुलेट करेगी जैसे कि डेटा हो गए, मॉडल कलर प्राइस एंड एसोसिएटेड फंक्शंस। ये सब एक सिंगल यूनिट में जब एसोसिएट होंगे तो उसे एनकैप्सुलेशन कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग इस वर्ड से ही हमें पता लग रहा है कि डेटा को हाइड करने का काम करता है डेटा हाइडिंग, राइट। अब डेटा हाइडिंग कैन बी डिफाइन एज ए मैकेनिज्म ऑफ हाइडिंग द डेटा ऑफ अ क्लास फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड और टू बी प्रिसाइज इन अदर क्लासेस। क्या करता है ये, हमारे डेटा को हाइड करता है आउटसाइड वर्ल्ड से, ठीक है। दिस इज डन टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल और इंटेंशनल एक्सेस। जब आप कोडिंग करते हो ना बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि आपको ना अपनी कोडिंग कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है कि जिससे आपका कोई कोड चुरा ना सके, और या फिर कोई इनटेंशनली आपका कोड ना ले। देखो मैं बताती हूँ, एक तो क्या होगा कि आपने एक बहुत अच्छा कोड बनाया, या फिर एग्जांपल है फेसबुक, फेसबुक का जो कोड था ना वो किसी और ने बनाया था। ये न्यूज़ बहुत आई थी कि फेसबुक की कोडिंग किसी और ने की थी, पर वो कोडिंग वहां से लीक होके फिर उन्होंने रिट्राइव करके उसे फेसबुक का नाम देके एक सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए आपको डेटा हाइडिंग का यूज करना होता है। अब पता नहीं वो खबर सच्ची थी या झूठी, या फिर ऐसे भी है कि आपको अपना डेटा हमेशा प्राइवेट रखना है ताकि आपका डेटा कोई और यूज ना कर सके। इन मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एनकैप्सुलेशन इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू क्लासेस। क्या होता है, एनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट करता है क्लासेस के थ्रू। इन अ क्लास डेटा मे बी मेड प्राइवेट और पब्लिक। डेटा तीन तरीके से ही हम उसमें सिक्योरिटी लगाते हैं, जैसे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। प्राइवेट होगा तो जो भी डेटा मेंबर्स और फंक्शन होंगे
वो आप अपनी क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हो, विद इन क्लास, ठीक है। बट प्रोटेक्टेड में आप एक अगली क्लास तक आप अपने डेटा को यूज कर सकते हो। अगर आपने एक क्लास को बी क्लास में इनहेरिट किया ना, तो जो ए के डेटा मेंबर्स होंगे विच यू यूज एज प्रोटेक्टेड मेंबर्स, तो आप वो एक्सेस कर सकते हो बी तक, ठीक है। और जो पब्लिक होता है ना, वो डेटा मेंबर्स उस फंक्शन आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, किसी भी क्लास में एक्सेस कर सकते हो। वो सब पब्लिकली होते हैं, इनके नेम से ही आपको पता लग रहा होगा, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। बट जनरली जो यूज होते हैं वो यूज होते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक, प्रोटेक्टेड रेयरली यूज होता है। इन मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एनकैप्सुलेशन इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू क्लासेज। इन अ क्लास डेटा मे बी मेड प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट डेटा और फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, वाइल डेटा और फंक्शंस कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी वेयर। सो द डेटा हाइडिंग इज अचीव बाई मेकिंग द मेम्बर्स ऑफ द क्लास प्राइवेट। एक्सेस टू प्राइवेट मेम्बर्स इज रेस्ट्रिक्टेड एंड इज ओनली अवेलेबल टू द मेम्बर फंक्शन ऑफ द सेम क्लास। हाउ एवर द पब्लिक पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। जो मैंने अभी समझा है ना, वही चीज़ लिखी है कि प्राइवेट मेम्बर्स तो रेस्ट्रिक्ट रहेंगे टू यूज विद इन द क्लास ओनली, और पब्लिक मेंबर्स क्या होगा कि आप एक्सेस कर सकते हो आउटसाइड द क्लास। ये होता है आपका डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज